हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुकुल और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी सीरीज जो कि होने वाली है टैली प्राइम के ऊपर। हालांकि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल के ऊपर, क्योंकि टैली प्राइम लिखा हुआ है। और मैं पहले बताना चाहूँगा अपने बारे में, मेरा नाम है मुकुल पुरी और मैं 2001 से अपने ही कंप्यूटर सेंटर जो कि है ग्रेट सॉल्यूशंस के अंदर पढ़ा रहा हूँ। और मेरे पास से बहुत से बच्चे अकाउंट्स, टैली, वेब डिज़ाइनिंग करके जा चुके हैं, जो कि अच्छी जगह पर आज काम कर रहे हैं और MNC कंपनीज में काम कर रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर मैंने चैनल बनाया था तकरीबन 2011-12 के अंदर, लेकिन मैं उसके ऊपर काम नहीं कर सका। लेकिन मुझे अब लेटर ऑन लगा है मुझे कि एटलीस्ट मुझे अब बाहर आना चाहिए, तो मैं बाहर आया हूँ और इस वीडियो को लेके आया हूँ आप सभी के समक्ष। तो कहना चाहूँगा कि ये वीडियोज़ जो हैं ये आपके लिए बहुत ही काम आने वाली हैं अगर आपको लगता है, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट को, तो आप वो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, बेल आइकन पर तो प्रेस कर ही दें ताकि आपको ऐसी जो आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिलती रहें। बिना देर करे स्टार्ट करते हैं आज की टैली की वीडियो। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया कि हाउ टू क्रिएट अ कंपनी, तो पहले कहना चाहूँगा कि अगर हमें टैली करनी है तो हमें अकाउंट्स आना चाहिए और अकाउंट्स के कुछ रूल्स होते हैं वो भी पता होना चाहिए। लेकिन मैं अभी उसकी बात नहीं करूँगा क्योंकि वो बहुत से स्टूडेंट्स के लिए जो कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन उनको करने का तरीका भी मेरे पास है जो कि आपको मैं बहुत ही ईजी वे के अंदर बताने वाला हूँ, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। कभी ना भूलने वाले टिप्स आपको दूंगा जो कि आपको याद रहेंगे। लेकिन अभी जो आज की मेरी वीडियो है वो क्या है, हाउ टू क्रिएट कंपनी। और अगर कंपनी को मुझे अल्टर करना हो या कंपनी को डिलीट करना हो वो भी मैं आपको बताऊंगा बारीक से बारीक चीज इन डिटेल। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैंने टैली ओपन कर लिया है, टैली प्राइम। अभी तकरीबन 5 से 7 सेकंड लगेंगे इसको ओपन होने में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं टैली ओपन करती वेलकम स्क्रीन आ गई है। सबसे पहले आपको कहना चाहूँगा ये स्क्रीन क्या बता रही है, लाइसेंस। क्योंकि टैली एक पेड वर्जन है, लाइसेंस वर्जन लेना पड़ेगा हमें इसके लिए। और इसके लिए दो तरह के एडिशन आते हैं, सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र। सिंगल यूज़र चलेगा आपका एक पीसी के ऊपर, मल्टी यूज़र चलेगा आपका मल्टीपल पीसीज के ऊपर। उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप एक पे यूज़ कीजिए या आप 100 पे कीजिए चाहे 1000 पे कीजिए, सेम सेल के चलेगा, बट कॉस्टिंग का इसका फ़र्क होता है। तो जिस स्टूडेंट के पास अभी लाइसेंस वर्जन नहीं है, खरीदा हुआ नहीं है, तो क्या वो सीख नहीं पाएगा? ऐसा बिल्कुल गलत है, वो सीख पाएगा। बशर्ते कि अगर हम एजुकेशन मोड पे काम करेंगे तो उसमें क्या होगा कि 1 तारीख की और 2 तारीख की एंट्री होगी। अगर मैं एंटर करना चाहूँगा 3 तारीख की डेट की एंट्री, तो वो उसको अलाउ नहीं करने देगा। वो तभी होगा जब हम उसको लाइसेंस वर्जन बाय करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेन्यू के अकॉर्डिंगली। तो जैसे मैं स्टार्टिंग पे करता हूँ तो यहाँ पे आता है लाइसेंस और ऑप्शन आती है कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं, हम लोग सीखने जा रहे हैं कि फीचर्स कैसे कैसे काम करेंगे, तो हम इस पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। और यहाँ पे लिखा रहे टी, टी कैपिटल में है, तो अगर मैं यहाँ पे टी प्रेस भी करूँगा तब भी वो स्क्रीन ऑप्शन करेगा। तो आप चाहे टी प्रेस कीजिए, चाहे माउस से क्लिक कीजिए, चाहे वहाँ से एंटर कीजिए, बाय डिफ़ॉल्ट वो उसी ऑप्शन को एक्टिवेट कर देगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये आपका क्या ऑप्शन आ गया, सिलेक्ट कंपनी। हमें प्रॉम्प्ट कर रहा है कि हमें इस समय कौन सी कंपनी ओपन करनी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफिक पाथ एंड सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। ये 4 ऑप्शन अलग अलग हैं जो कि आपको पाथ के लिए बता रहा है कि मुझे कंपनी कहाँ से लोकेट करनी है ओपन करने के लिए। बट क्योंकि मेरी कंपनी अभी बनी नहीं हुई तो मैं लोकेट कहाँ से करूँगा, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मुझे पहले कंपनी बनानी होगी। तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रही है क्रिएट, यहाँ तो मैं माउस से यूज़ करूँगा या फिर मैं यूज़ करूँगा अप एरो की, अप डाउन, अप डाउन। डाउन से करूँगा तो डाउन आएगा, अप करूँगा तो अप आएगा। लेकिन अगर टैली में आपको मास्टर बनना है तो आप ट्राई कीजिए कि आप माउस का यूज़ ना कीजिए, आप शॉर्टकट्स और कीबोर्ड का यूज़ कीजिए, उससे आपका हाथ जल्दी पकड़ में आएगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ अप डाउन एरो की, तो मैं यहाँ पे करूँगा क्रिएट कंपनी एंड यहाँ प्रेस करूँगा एंटर। जैसे ही प्रेस करूँगा क्रिएट कंपनी के लिए, तो यहाँ पे आएगी वेलकम स्क्रीन जो कि बता रहा है कंपनी क्रिएशन स्क्रीन। तो यहाँ पे मुझे कुछ कंपनी के पैरामीटर्स एंटर करने हैं कंपनी बनाने के लिए, और जब मेरी कंपनी बन जाएगी तो उसको ओपन करके मैं उसके अंदर काम करूँगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये रहता है कि अगर मैंने कंपनी बनाई और उस कंपनी में मैंने गलत पैरामीटर सेट कर दिए या मुझे कंपनी के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, तो मैं क्या कर पाऊँगा? बिल्कुल कर पाएंगे। आपको कंपनी को डिलीट करके दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसी कंपनी को मॉडिफाई भी कर सकते हो और वो कभी भी कर सकते हो किसी भी समय। ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है कि आपको अभी करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, कंपनी क्रिएट करेंगे, कंपनी अल्टर करेंगे और कंपनी डिलीट करेंगे। ये तीनों के तीनों चीज़ें जो है आपको आज इस कंपनी के अंदर बताने वाला हूँ। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, मिस मत कीजिएगा। अगर मिस करेंगे तो आपका कोई ना कोई स्टेप मिस हो सकता है जिससे आपको दिक्कत आ सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हलूँ यहाँ पे कंपनी का नाम, मुझे कंपनी का नाम क्या डालना है। लाइक मैंने लिया ग्रेट सॉल्यूशंस, ये हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम है ग्रेट सॉल्यूशंस।
और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ इंस्टीट्यूट एंड मेलिंग एड्रेस, मीन्स कि ये कंपनी एग्जिस्ट कहाँ करती है, इसकी लोकेशन कहाँ है, इसका एड्रेस क्या है। कल को अगर मैं कोई बिल जनरेट कर रहा हूँ, कोई सेल कर रहा हूँ, तो सेल पे जो मेरा बिल होगा, जो एड्रेस होगा, वो सब यहाँ पे जो लिखा होगा वो वहाँ पे प्रिंट होगा, वो डिस्प्ले होगा। तो आप यहाँ पे मिस मत कीजिएगा प्रॉपर एड्रेस, कि जब भी बिल हम काटेंगे तो उस पर एड्रेस आपका लिखा रहना चाहिए, बकायदा डिस्ट्रिक्ट, तालुका, स्टेट, सिटी, टाउन, नियर टू, एडजेसेंट टू, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, सब कुछ आपको मेंशन करना है। तो लाइक मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ अपना एड्रेस, अब यहाँ पे आएगा स्टेट, अब यहाँ पे सारी स्टेट्स आ रही है हमारी, हमारी कौन सी स्टेट है, हरियाणा। मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे एच, अगर मैं एच करूँगा तो यहाँ पे एच वाली आ जाएंगी, और फिर मैं यूज़ करूँगा अप डाउन एरो की, तो मैं यहाँ से पिक कर सकता हूँ हरियाणा। पिन कोड जो मेरे एरिया का पिन कोड है वो आ जाएगा, टेलीफोन नंबर, ये मैं डमी डाल रहा हूँ, मोबाइल नंबर ये भी डमी डाल रहा हूँ, फैक्स नंबर अगर है डाल सकते हो, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ईमेल आईडी, जो भी आपका कंपनी का मेल आईडी है वो आप यहाँ डाल दीजिए, वेबसाइट अगर आपकी कंपनी की है तो वो भी आप डाल दीजिए। इसके बाद आता है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। अब ये दो पैरामीटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तो आप अकाउंट्स बैकग्राउंड से हैं फिर तो आपको अच्छे से पता होगा कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, लेकिन अगर आप अकाउंट बैकग्राउंड से नहीं हैं तो मैं आपको बता दूं, सभी का सभी जो कंसेप्ट है अकाउंटेंसी का वो इसी पीरियड के बीच में मैटर करता है। देखा होगा आपने कि 31 मार्च को अक्सर बैंक बंद होते हैं, क्या कहते हैं कि हमारी क्लोजिंग है। क्लोजिंग का मतलब क्या होता है कि वो जो अपने अकाउंट्स हैं वो सेटल करते हैं, अपने क्लोजिंग बैलेंस को वो ओपनिंग ले आते हैं अगले नेक्स्ट ईयर के लिए। सो फाइनेंशियल टर्म्स के अकॉर्डिंगली हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो होता है 1 अप्रैल। अभी हमारी डेट आज की जो है वो है 25 दिसंबर 2022। इसका मतलब क्या है, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक, ठीक है। तो ये हमारा पीरियड है, 1 अप्रैल शुरू हो गया है 22 से, लेकिन हमारा चलेगा कब तक, 31/3/2023 तक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2022, ये तो हो गया हमारा फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, के शुरू कहाँ से हो रहा है, 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो रहा है। अब आता है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, अब इसका मतलब क्या है, क्या यहाँ भी डेट 1 अप्रैल आएगी, नहीं, क्योंकि अगर मेरी कंपनी आज एग्जिस्टेंस में आ रही है, अगर मैंने कंपनी की फॉर्मेशन आज करी है तो नेचुरली बात है कि उसके पहले के अकाउंट्स तो मेंटेन नहीं होंगे ना, तो मेरी बुक स्टार्ट कब से होंगी, आज से होंगी। तो अगर मैं स्टार्ट आज से कर रहा हूँ तो डेट यहाँ पे आएगी 25 दिसंबर 2022। अब इससे क्या होगा कि जो डेट होगी हमारी वो इससे पीछे नहीं जाएगी, ठीक है, इससे पीछे नहीं जाएगी। लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले बताया था वीडियो किया, कि ये जो एजुकेशन वर्जन है इसमें 1 और 2 तारीख की एंट्री होगी, उसके बाद एंट्री नहीं होगी। तो जैसे कि मैंने यहाँ 25 दिसंबर दिया और मैंने एंटर कर रहा हूँ तो वो आगे नहीं बढ़ रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन वर्जन है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ भी कर दूंगा 1 अप्रैल 2022, ताकि मेरी कंपनी बन जाए और कंपनी के अंदर हम लोग काम कर सकें, एंट्री करना सीख सकें। बाकी जब लाइसेंस वर्जन के ऊपर आप काम करेंगे तो वहाँ पे आप डेट चेंज कर पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो फिलहाल यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया वो क्या है कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब से हुआ और जो बुक्स लिखनी स्टार्ट हो रही है वो कब से हो रही है, वो जिस दिन से कंपनी फॉर्मेशन में आएगी उसकी डेट वो आएगी, अदरवाइज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 1 अप्रैल 2022। आगे बेस सिंबल क्या है हमारा, रुपीज, उसका फॉर्मल नेम क्या है, INR, एक्सेप्ट। अब यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए या तो मैं माउस से यहाँ पे क्लिक करूंगा, या मैं एंटर प्रेस करूंगा, या फिर मैं कीबोर्ड से वाई प्रेस करूंगा, इन तीनों में से कुछ भी कर सकता हूँ, नहीं तो एक शॉर्टकट है मेरे पास, क्या, कंट्रोल ए। अगर मैं कंट्रोल ए भी करूंगा तब भी वो उसको सेव कर देगा। जैसे सेव किया यहाँ मैसेज आ गया, क्या, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे कंपनी बन चुकी है और कंपनी के यहाँ पे 3 मॉड्यूल शो कर रहा है, कौन कौन से, पहला है अकाउंटिंग, दूसरा है इन्वेंट्री और तीसरा है टैक्सेशन। मींस टैली ओपन करने के बाद हमारे पास क्या है, 3 मॉड्यूल अलग अलग आते हैं, अकाउंट्स, इन्वेंट्री, टैक्सेशन, जो कि हमें प्रॉम्प्ट करता है कि हमें टैली में किस काम को अंजाम देना है, किस काम को करना है। हमें स्टॉक देखना है, मीन्स हमें सेल परचेज देखनी है, हमें GST लगाना है, हमें टैक्स देखना है, या हमें सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। तो अभी के लिए क्या है, हम लोग सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन कर लेंगे। अगर आपको इन्वेंट्री करना हो तो इन्वेंट्री यस कर सकते हो, GST करना हो तो उसको यस कर सकते हो, ये हम करेंगे 1 बाय 1, लेकिन आज की क्लास में नहीं, क्योंकि आज के मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको, हाउ टू क्रिएट अ कंपनी, हाउ टू अल्टर अ कंपनी एंड हाउ टू डिलीट अ कंपनी। तो इसके साथ हम इसको लेके चलेंगे आगे, ठीक है, वीडियो को देखना, मिस मत करना एंड तक, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन्वेंट्री करता हूँ, नो कि मुझे इन्वेंट्री नहीं चाहिए, GST नहीं चाहिए, तो मुझे GST भी नहीं चाहिए, नो। अब मेरा यहाँ पे ऑन किया है सिंपल मेंटेन अकाउंट्स ओनली, कि मैं यहाँ पे अकाउंट्स करूँगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बैक स्पेस करके पीछे जाता हूँ और इन्वेंट्री करता हूँ,
यस, इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंटरी यस, जीएसटी भी यस और टीडीएस भी यस। तो यहाँ बेसिकली क्या होगा, इन सबके पैरामीटर यस कर देंगे। तो अभी यस करेंगे तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि ऑप्शन बहुत सारी खुल गई है, मैं क्या करूँ। सो देर इज नो नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन, क्योंकि अभी बिगनिंग है, ट्रस्ट में सब आएगा, आहिस्ता आहिस्ता आएगा, बने रहिए मेरे साथ। ज्यादा लंबी बात नहीं है, बड़े ही आराम से आएगा। मैं यहाँ पे करता हूँ नो और यहाँ पे करता हूँ नो, और रही बात इन्वेंट्री की, वहां भी करता हूँ नो और वहां भी करता हूँ नो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल अकाउंट्स के अंदर मैंने ऑन कर दिया मेंटेन अकाउंट ओनली। अब अकाउंट ओनली का मतलब क्या होता है कि मुझे पैसा लेना है, पैसा देना है, उधार की एंट्री करनी है, उधार की एंट्री लेनी है, बैंक में जमा करवाना है, बैंक से निकलवाना है, कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, कुछ डेप्रिसिएशन की एंट्रीज हैं, कुछ कैपिटल की एंट्रीज हैं, वो सब इसके अंदर बड़ा कुछ आएगा अभी, ठीक है। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन चलेंगे और आपको यकीन मानिए मजा आने वाला है मेरे साथ इस टैली की क्लासेस के अंदर। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल ए से, मैंने बताया था आपको सेव करने के लिए कंट्रोल ए, तो मैंने कंट्रोल ए किया और जैसे ही कंट्रोल ए किया आपके सामने स्क्रीन आ गई वेलकम टू टैली। यहाँ पे आपकी कंपनी ओपन हो चुकी है और ये हमारा क्या स्क्रीन है, गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली जो हमारी होती है वो क्या है, दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन। जब हम टैली को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आने वाली जो स्क्रीन होती है वो होती है गेटवे ऑफ टैली, जो ये शो करती है कि हमारी किस कंपनी ओपन है, समय हम किस कंपनी में काम कर रहे हैं। कंपनी को बंद करना हो तो वहां से कर सकते हैं, कंपनी को ओपन करना हो तो वहां से कर सकते हैं, कंपनी को क्रिएट करना हो तो वहां से कर सकते हैं। मींस गेटवे ऑफ टैली मींस टैली की फर्स्ट स्क्रीन। तो आप ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे यहां पे लिखा आ रहा है क्या, नेम ऑफ द कंपनी, जौन सी कंपनी खुली होंगी वो सारी यहां आ जाएंगी। तो अभी यहां पे एक कंपनी खुली हुई है, क्या एट ए टाइम क्या कंपनी एक ही ओपन होगी, नहीं। मैं अगर चाहूं कि मुझे 10 कंपनी ओपन करनी है तो मैं कर सकता हूं और 10 के 10 नाम यहां पे शो हो जाएंगे, लेकिन जो बोल्ड में एंट्री आ रही होगी इसका मतलब क्या है कि वो एक्टिव है। तो मैं एक साथ 10 20 100 50 कंपनी भी खोल सकता हूं, जो उनसी बोल्ड होगी वो समय एक्टिव होगी, राइट। अब कंपनी के ऊपर मुझे कुछ काम करना है, तो मैं यहां पे ऑप्शन आ रही है कंपनी का नाम और यहां पे ऑप्शन आ रही है F3। जैसे ही F3 करूंगा तो देखिए ऑप्शन आ रही है आपके पास कि कंपनी को क्रिएट करना है, अल्टर करना है, सिलेक्ट करना है या शट करना है। शट मींस कंपनी को बंद करना है, डिलीट नहीं करना, जो कंपनी ओपन है उसको बंद करना है। तो ये वाली कंपनी खुली हुई है जिसका कोड है 14x0 कंपनी, यहाँ पे किया शट, ये वाली कंपनी करनी है एंटर। डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, यस। अब आप देखिए ये कंपनी शट हो जाएगी, देखिए एस्केप करके बाहर आया, कुछ भी नहीं आ रहा, वो कंपनी वहां से शट हो गई। अब उस कंपनी को मुझे ओपन करना है, दोबारा से क्रिएट नहीं करना, ओपन करना है। तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट कंपनी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम पाथ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नाम आ रहा है कौन कौन सी कंपनी बनी हुई है, तो इस कंपनी में एंटर करता हूँ, ये मेरी कंपनी ओपन होगी। अब क्या मैं कंपनी के कोई पैरामीटर चेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अल्टर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे F3 कंपनी में जाऊंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, अल्टर कंपनी। जैसे ही मैं अल्टर पे जाऊंगा तो मेरे को जो भी यहाँ पे पैरामीटर डालने हैं, जो भी नेम, कोई करेक्टर, कोई ईमेल आईडी, कोई फोन नंबर, फाइनेंशियल ईयर या बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड का डाटा अगर मेरे को चेंज करना है तो मैं चेंज कर सकता हूँ। चेंज करने के बाद आप यहाँ प्रेस कीजिए कंट्रोल ए, वो सेव करके बाहर आ जाएगा। लेकिन क्या मैं कंपनी को डिलीट कर सकता हूँ, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे करेंगे, मैं अल्टर पे जाऊंगा, अल्टर पे करने के बाद मैं यहाँ प्रेस करूंगा ऑल्ट डी। जैसे ही मैंने प्रेस किया ऑल्ट डी, इट विल प्रॉम्प्ट यू अ मैसेज, डिलीट यस और नो। वाई प्रेस करता हूँ, कंपनी विल डिलीट। इट विल टेक सम टाइम डिपेंड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर पीसी, तो ये तकरीबन 3-4 सेकंड लेगा और कंपनी को शट कर देगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया यस। अब देखिए यहाँ पे कोई भी कंपनी यहाँ पे शो नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है कि मेरे यहाँ पे सिस्टम के अंदर कोई कंपनी बनी नहीं हुई। मेक श्योर कि कंपनी में डाटा ना हो, अगर कंपनी में डाटा होगा तो वो लॉस्ट हो जाएगा, अगर डाटा लॉस्ट होगा तो रिकवरी नहीं है। सो आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने आपको क्या बताया कि टैली स्टार्ट करने के लिए हमें पहले टैली में कंपनी बनानी पड़ेगी, तभी एंट्री कर पाएंगे। लेकिन कंपनी जब बनाएंगे तो क्या कंपनी को मॉडिफाई कर पाएंगे, ये भी क्वेश्चन आता है। क्या कंपनी अगर बन गई तो कंपनी को क्या मैं डिलीट कर सकता हूँ, ये भी क्वेश्चन आता है, वो भी कर सकता हूँ। तो आज के जो इस वीडियो मैंने आपको बताया वो क्या था, हाउ टू क्रिएट अ कंपनी, हाउ टू अल्टर कंपनी एंड हाउ टू डिलीट कंपनी। उम्मीद करता हूँ जो वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को भी शेयर कर दें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दें, ताकि आपको ऐसी जो वीडियोस हैं आने वाले टाइम में मिलती रहें, और जाते जाते बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले घंटी
बजे और आपको माइंड स्ट्राइक करे कि हाँ वीडियो आ गई है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।